अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे। मैं आज आपके साथ दो तीन रेमेडीज लेकर आई हूँ, चलिए हम शेयर करते हैं आपके साथ। सबसे पहले एक फेस पैक बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, उसके लिए एक बॉल चाहिए, वन स्पून चाहिए, टर्मेरिक चाहिए, एलोवेरा जेल और चंद ड्रॉप्स ऑयल के। सबसे पहले हम बॉल में पिंच ऑफ टर्मेरिक डालेंगे। टर्मेरिक के आप सबको पता है खाने के तो फ़वाद हैं ही, लेकिन आप इससे ब्यूटी के भी फ़वाद हासिल कर सकते हैं। टर्मेरिक आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, आपकी फेयर कलर करने के लिए बहुत अच्छी है। अब हम आ जाते हैं एलोवेरा जेल पे। एलोवेरा जेल भी सब जानते हैं कि बहुत अच्छा है सनबर्न से, सन टैन, इन सब चीज़ों से बहुत अच्छी तरह से फाइट करना जानता है ये। ये भी हमने टर्मेरिक के साथ ऐड कर दिया है। अब जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल। और अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं तो आप ऑयल ना डालें, सिर्फ आप इन दो चीज़ों को मिक्स करके भी बहुत अच्छा फेस पैक अपने लिए बना सकते हैं। अब ये तीनों चीज़ें मैंने इस बॉल में डाल ली हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इसको इतना अच्छा मिक्स करना है कि ये बिल्कुल एक अच्छे से क्रीमी जेल फॉर्म में आ जाए हमारे पास। और फिर हम इसको अपने फेस पे, हैंड पे अप्लाई कर सकते हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। आपको वन वीक में ही, अगर आप इसको वीक में 3 टाइम यूज़ कर रहे हैं अपने फेस पे, तो आपको दिल अलग से फ़र्क नज़र आएगा कि आप कितना फेयर हो गया है आपका कलर। और अगर आपको जल्द ही वाइटनिंग चाहिए तो आप इसका यूज़ ज़रूर कीजिए। अब हम आते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। सेकंड रेसिपी हमारी एक क्रीम है, नाइट क्रीम। ये भी वाइटनिंग क्रीम है और ये भी हम सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। वाइटनिंग के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा वाइटनिंग चाहते हैं, आपको किसी दावत वगैरह में, किसी ओकेजन में जाना है, आपको बहुत जल्दी अपना रंग फेयर करना है, तो आप वन वीक के इसके इस्तेमाल से बहुत जल्दी अपना रंग फेयर कर सकते हैं। सिर्फ चंद चीज़ों से मैं इसको बना रही हूँ और ये आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देने वाली है। इसके लिए हमें जो चाहिए, सबसे पहले अर्के गुलाब, एलोवेरा जेल और ग्रीस लीम। एक बॉल लेंगे। सबसे पहले इस बॉल के अंदर हमने सबसे पहले ऐड कर लेना है एलोवेरा जेल। 2 टेबल स्पून हम इसमें एलोवेरा जेल डालेंगे। 1 और ये 2। अब हम इसमें अर्के गुलाब ऐड करेंगे। चूँकि हमें ज़्यादा चाहिए और ये पंप वाला है, तो मैं इसको ओपन करके ये स्पून में ले लिया है। 1 टेबल स्पून एंड 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल, 2 टेबल स्पून अर्के गुलाब और हम 1/4 टीस्पून इसमें ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ये हमने 1/4 टीस्पून इसमें ग्लिसरीन ऐड कर ली है। अब हम इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करके एक बहुत अच्छा सा जेल बना लेंगे। मिक्स 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 बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। जितना अच्छा मिक्स होगा इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। देखिए बहुत अच्छे से इसको हम मिक्स कर रहे हैं। ये सब चीज़ें बिल्कुल एक जान हो जाए, एक साथ हो जाए। ये देखिए एक अच्छा सा जेल हमारे पास बनके रेडी हो चुका है। ये देखिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ हैंड पे। फौरन तो शायद इसका रिज़ल्ट आपको नज़र ना आए, लेकिन 1 वीक में आप इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे से
देख सकेंगे। स्किन सॉफ्ट हो गई हो जाती है इससे बहुत अच्छे से। आप डेली यूज़ करें नाइट में, बहुत अच्छा स्किन हो जाता है, बहुत अच्छा फेयर कलर हो जाता है। अब इसको मैं एक कंटेनर में रख लूँगी और ये 1 वीक तक आप अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और इसको एवरी नाइट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एवरी नाइट यूज़ ना भी करना चाहें तो ऑल्टरनेट डेज पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी जो क्रीम यूज़ कर रहे हैं वो भी करते रहें और ऑल्टरनेट डेज पे आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी 1 वीक तक फ्रिज में रख के चल जाएगी। नाउ अब हम सेकेंड रेसिपी पे आते हैं, थर्ड रेमेडी पे। इसके लिए जो हमें सबसे पहले चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए एक कोकम्बर लिया मैंने, उसको पील करके उसको ग्रेट करके उसका सारा जूस निकाल लिया है। तो ये मेरे पास तकरीबन 3 टेबलस्पून जूस है, बाकी चीज़ें हमने हटा दी हैं जो पहले रेमेडी में यूज़ की थी। अब हमें चाहिए खीरे का जूस, ये देख लीजिए आप, खीरा आपको पता है बहुत अच्छा होता है, स्किन की हाइड्रेट रखता है। अब इसके अंदर हम डालने वाले हैं अर्के गुलाब। जितना हमने कोकम्बर का जूस लिया है इतना ही तकरीबन 3 टेबलस्पून जो हमारे पास है कोकम्बर का जूस है और 3 टेबलस्पून ही मैंने इसमें अर्के गुलाब ऐड कर लिया है। इसको अब हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है कि दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। अभी हमारा टोनर बिल्कुल रेडी है, ये मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये आप फ्रिज में रख लें, स्टोर कर लें फ्रिज में और इसको आप दिन में बस आते जाते आपने इसका स्प्रे करते रहना है। ये बहुत अच्छा है, आप यकीन करें इससे आप बहुत अच्छा फ्रेश फील करेंगे। गर्मी की वजह से डल स्किन हो जाती है, वो डलनेस ख़त्म हो जाएगी और आपको अलग एक फ्रेशनेस महसूस होगी। चलें, थैंक यू इस सब रेसिपी इंग्रेडिएंट्स के साथ।